हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में बीजेपी हारी तो पूरे देश में हारेगी, यशवंत सिन्हा। अटल सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा लखनऊ में थे। एनबीटी से खास मुलाकात में पूर्व मंत्री ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में बातें करी। लखनऊ, अटल सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने नव भारत टाइम्स से खास बातचीत में कहा कि यदि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यदि हार मिलती है तो पूरे देश में हार सकती है वो। उन्होंने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों से लेकर देश और प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर खुलकर बातें करी। राफेल का मामला हो या फिर बीजेपी के खिलाफ तैयार हो रही गठबंधन की राजनीति, सिन्हा ने सभी मुद्दों पर उन्होंने विभाग विचार व्यक्त किए, लेकिन 2019 के चुनाव में अपनी रणनीति के पत्ते नहीं खोले। केंद्र सरकार को आंकड़ेबाजी में माहिर बताते हुए कहा, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि केंद्र सरकार की ओर से आंकड़े दिए जा रहे हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। माफिल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मैं जनवरी के पहले हफ्ते में रिव्यू पिटीशन दाखिल कराऊंगा। सिन्हा ने कहा, पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद से विपक्ष सरकार कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ा है। बीजेपी और उसके नेताओं ने हार का मुंह देखा है, वह समझते हैं कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इस चुनाव के बाद वातावरण में परिवर्तन हुआ है, अब विपक्षी दलों पर निर्भर करता है कि वह उसे आगे कैसे ले जाएंगे। विपक्षी दलों का आगे एक दूसरे को लेकर आचरण कैसा होगा, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यूपी के विपक्षी दलों की एकजुटता है, कारण अगर बीजेपी यूपी में हारती है तो पूरे देश में हारेगी। उन्होंने कहा, बीजेपी की हार का प्रमुख कारण किसानों की अनदेखी है। किसानों की हालत पिछले पांच सालों से बहुत खराब थी। चार साल तक केंद्र सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उनकी स्थिति बदतर हो चली गई। सरकार ने MMP तो बढ़ाई, लेकिन किसानों की उपज की पूरी खरीद नहीं की। सरकार की अनदेखी के किसानों को बीजेपी के खिलाफ कर दिया। इसके अलावा बीजेपी के शीर्ष नेता की भाषणबाजी, बढ़ती बेरोजगारी भी हार की वजह बनी। नोटबंदी से किसानों की हालत पर फर्क पर उन्होंने कहा, नोटबंदी से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ। हाल में लोकसभा की साइनिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने कृषि मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि नोटबंदी से किसानों और खेती पर बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन इस रिपोर्ट को तत्काल वापस ले लिया गया। पिछले चार साल में केंद्र की ओर से रोजगार के अवसर सृजित नहीं हुए, सिर्फ आंकड़ेबाजी की जाती रही। प्रदेश में औद्योगिक शहरों से काम ना होने के कारण लोग अपने गांव में लौटने लगे। यूपीए सरकार में मनरेगा का बजट 40 से 42 हजार करोड़ रुपए था, जिससे विरोध के बाद मोदी सरकार ने बढ़ाकर 55 हजार करोड़ कर दिया। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, मैं जिस समय देश में बोफोर्स का मामला उठा, देश में सिर्फ एक लाइन का संदेश गया कि सेवा के तो खाने का पैसा खाया गया। अगर जनता के बीच यह संदेश जाता है कि लड़ाकू विमान में पैसे खाया गया, तो बीजेपी की बड़ी दिक्कत होगी। कोर्ट ने जो फैसला किया उस पर कोर्ट खुलते ही रिव्यू पिटीशन दाखिल कराऊंगा। हनुमान की जाति बताते कि एक सवाल पर उन्होंने कहा, यह नादानी की इंतहा है। इससे शुरू किया गया है जो इस पर बोल रहा है, सभी अपनी सोच का प्रमाण दे रहे हैं, अपनी समझ का परिचय दे रहे हैं। पहले अयोध्या, फिर गया, फिर अर्ध कुंभ और कुंभ, हर मुद्दे को किसी न किसी तरह धर्म से जोड़कर हिंदुस्तान के लिए खतरा खड़ा करने की कोशिश जारी कर रहा है, हालांकि अब जनता के बीच इसका कोई असर नहीं है। मोदी सरकार ने छीनी मनरेगा की रोजगार गारंटी। 2018 में 2.3 करोड़ लोगों को नहीं मिली रोजगार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, इस योजना के नाम में रोजगार गारंटी है, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में यह गारंटी खत्म होती जा रही है। सरकार के कार्यकाल में एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सरकारी योजनाएं भी नाकाम हो रही है। इस सरकार के आने के बाद मनरेगा योजना में रोजगार न मिलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।
दरअसल मनरेगा योजना के अंतर्गत हर साल लोगों रोजगार के लिए आवेदन करते हैं। उनको रोजगार देने सरकारी जिम्मेदारी होती है और इसके लिए एक रोजगार गारंटी योजना है। सरकारी आंकड़े बताती है कि वर्ष 2013 से 14 में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की मांग करने वालों में से 10% लोगों को रोजगार नहीं मिली थी। रिपोर्ट 2018 में भी 50% बढ़ती देश की बेरोजगारी, मोदी राज में युवाओं का बुरा हाल। ये आंकड़ा बढ़कर 18 हो गया। वर्ष 2018 से 19 में मनरेगा में रोजगार के लिए आवेदन करने वालों में से 1.3 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिली थी। और ये सिर्फ इस साल की कहानी नहीं है, बल्कि वर्ष 2014 में से भी सिलसिला रुका नहीं। वर्ष 2013 से 14 में रोजगार ना मिलने वालों की संख्या 10% जो वर्ष 2014 में 15 में बढ़कर 14 हुई है। वर्ष 2017 से 18 तक यह 15 हुई और अब वर्ष 2018 से 19 में यह 18 हो गई है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इस योजना में मजदूरों को वेतन ना मिलने वालों की संख्या और अवधि से भी बढ़ती जा रही है। योजना के नियमानुसार मजदूरों पूरे होने में के 15 दिनों के अंदर वेतन मजदूरों को मिल जाना चाहिए, लेकिन इसमें महीनों का समय लग रहा है। सरकारी आंकड़ों बताते हैं कि पिछले साल लगभग 7014 करोड़ रुपए की मजदूरी मिलने से 15 दिनों की अधिक देरी हुई थी। इस साल अब तक 246 करोड़ रुपए की राशि बाकी है। यह साल का अंत है जबकि धन जारी नहीं किया जा रहा है या धन राशि देने में देरी की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2019 बीजेपी और कांग्रेस व्हाट्सएप पर खोजेगी जीत का मंत्र। दिल्ली में बीजेपी के बूथ प्रभारियों से पहले सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित वरिष्ठ नेताओं ने 2019 की जीत के लिए मंत्र दिया। नई दिल्ली 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियों के लिए कमर कस ली है और एक विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो वही बीजेपी एनडीए को और अधिक मजबूत करने में लगी हुई है। इन सबके बीच बीजेपी और कांग्रेस ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए सोशल मीडिया को चुनावी हथियार बनाने का मन बना लिया है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जल्द ही इंटरनेट मैसेज ऐप व्हाट्सएप पर लोगों को जोड़ने का काम करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिया जीत का मंत्र। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से जोड़ने के लिए, उनके भी संचार को मजबूत करने के लिए एक और नए प्रयास में तहत व्हाट्सएप समूह की एक श्रृंखला बनाने का रविवार को निर्णय लिया। दिल्ली में बीजेपी के बूथ प्रभारियों से पहले सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित वरिष्ठ नेताओं ने 2019 की जीत के लिए मंत्र दिया और कांग्रेस एवं दिल्ली में एएपी के शासन की आलोचना की। पन्ना प्रमुखों के व्हाट्सएप समूह में की बनाई जाएगी श्रृंखला। बूथ स्तरीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन रामलाल ने कहा, अगले साल जनवरी से पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप समूह की एक श्रृंखला बनाई जाएगी। पन्ना प्रमुख बीजेपी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता है जो विधानसभा के एक मतदाता सूची के एक पेज में दर्ज मतदाताओं के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस ने तैयार की डिजिटल साथी। कांग्रेस ने तैयार की डिजिटल साथी ऐप। वहीं कांग्रेस की दिल्ली इकाई 2019 के आम चुनाव से पहले संदेश के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को नीतियों को भेजने के लिए हॉटस्पॉट समूह बना रही है, जिसके जरिए वह पूरी राष्ट्रीय राजधानी में मतदाताओं तक पहुंचेगी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय मकान ने कहा है कि पार्टी के डिजिटल साथी नामक ऐप भी शुरू किए है और डिजिटल साथी के तौर पर बूथ स्तर पर काम करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का चयन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि प्रत्येक बूथ पर 10 बूथ सहयोगियों की नियुक्ति की जा रही है। सभी बूथ पर इनमें से एक को डिजिटल साथी के तौर पर तैनात किया जाएगा।
सांसद सावित्री बाई फूले बोली, संविधान से नहीं आरएसएस के इशारे पे चल रहे थे। फूले ने कहा कि पिछले कई सालों से वे भारतीय संविधान और आरक्षण बचाने के लिए सामाजिक आंदोलन चला रही है, जिससे समाज के पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग एवं अल्पसंख्यक समाज को सामाजिक न्याय मिल सके। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सांसद सावित्री बाई फूले ने रविवार को रामाबाई अम्बेडकर रैली स्थान पर एक जनसभा पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश संविधान से नहीं आरएसएस के इशारे पर चल रहा है। सावित्री बाई फूले ने कहा कि जब वो बीजेपी में थी तो उन्हें लोकसभा के अंदर अपने मन की बातें बोलने नहीं दी जाती थी। उन्होंने कहा कि आरक्षण समाप्त करने की बात हो रही है, दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियों को जलाया गया, हमें अपना हक मांगेंगे नहीं बल्कि छीन लेंगे। फूले ने कहा कि कई सालों से वो भारतीय संविधान को आरक्षण को बचाने के लिए सामाजिक आंदोलन चला रही है, जिसके वजह समाज के पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग एवं अल्पसंख्यक समाज को सामाजिक न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि कई सालों से संविधान में दिए गए आरक्षण को संपूर्ण रूप से लागू करने की मांग करती आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की चौकीदार नहीं बल्कि साझेदार कहा। बता दें, सावित्री बाई फूले ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि चौकीदार की नाक के नीचे गरीबों का पैसा लूटा जा रहा है, बीजेपी और आरएसएस समाज को बांटने व संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार के फैसले पर भड़के राहुल गांधी, पीएम मोदी को बताया असुरक्षित तानाशाह। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश को पुलिस राज में तब्दील करने से मोदी की समस्याएं हल नहीं होंगी। नई दिल्ली, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश को पुलिस राज में तब्दील करने से मोदी की समस्याएं हल नहीं होंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे सिर्फ यही साबित होने वाला है कि मोदी एक असुरक्षित तानाशाह है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मोदी जी, भारत को पुलिस राज में बदलने से आपकी समस्या हल नहीं होने वाली। इसे एक अरब से अधिक भारतीय नागरिकों के समक्ष सिर्फ यही साबित होने वाला है कि आप किसी तरह से असुरक्षित तानाशाह है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसके तहत अब किसी भी कंप्यूटर का डेटा सरकार खंगाल सकती है। गृह मंत्रालय ने कंप्यूटर के डेटा की जांच के लिए 10 केंद्रीय एजेंसियों को अधिकार बढ़ा दिए हैं। जांच एजेंसी अब किसी भी कंप्यूटर में मौजूद डेटा की जांच कर सकेगी। ये पहली बार है जब कई एजेंसियों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने गुरुवार को इस बारे में आदेश जारी किए। इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला और ऐसे निजता की सरकार पर हमला बताया। अब किसी भी कंप्यूटर का डेटा खंगाल सकती है, सरकार विपक्ष ने निजता के अधिकार पर हमला बताया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार का यह आदेश मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार भी यह निजता आपका मौलिक अधिकार है। निजता के अधिकार पर यह आदेश चोट पहुंचाता है। इस आदेश से सरकार देश के हर नागरिक की पूरी जानकारी को देखने की अनुमति दे रही है। इससे प्रजातंत्र को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हमने यह कहा है कि सरकार की तरफ से ऐसा एक भारी संख्या में जो सम्मानित लोग है, सांसद है या बड़े अधिकारी या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के टेलीफोन भी चेक हो रहे हैं। हम इसका विरोध करेंगे और किसी भी प्रजातंत्र के लिए स्वीकार्य नहीं है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।